बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पहला जो पेपर है आपका उसको स्किवनेस। देखिए स्किवनेस क्या होता है, स्किवनेस इज अ मेजर ऑफ ए सिमेट्री या सिमेट्री ऑफ अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए स्किवनेस का मतलब क्या होता है, जब भी कोई सीरीज सिमेट्रिकल नहीं रहेगी इस सीरीज को हम स्किव्ड या ए सिमेट्रिकल बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, हम इसलिए स्किवनेस निकालते हैं ताकि हमें कर्व की डिस्ट्रीब्यूशन पता चले कि वो लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, तो स्किवनेस का मतलब हुआ कि जब भी कोई सीरीज क्या हो सिमेट्रिकल नहीं रहेगी उस सीरीज को स्किव्ड या ए सिमेट्रिकल कहेंगे, और हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें कर्व की क्या हो डायरेक्शन पता चले कि वो लेफ्ट है कि राइट है। यही डिफिनेशन यहाँ दी है कि स्किवनेस इज अ मेजर ऑफ सिमेट्रिकल या ए सिमेट्रिकल एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट इज अ सिमेट्रिक इफ ही लुक द सेम टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सेंटर पॉइंट। कितने तरह के टाइप्स होते हैं स्किवनेस के वो हम देखते हैं। अब स्किवनेस के जो टाइप्स होते हैं दैट इज योर तीन टाइप्स यहाँ दिया है। एक सिमेट्रिकल का जहाँ पर नो स्किवनेस है, जहाँ पर मीन जो होगा मीडियन के इक्वल होगा और मोड के बराबर होगा। नेगेटिव स्किवनेस वहाँ होगा जब मीन जो है ग्रेटर लेस देन होगा मीडियन के और मीडियन लेस देन होगा मोड के। और नेक्स्ट है ये, ऐसे एग्जाम में आपको डायग्राम दे देंगे बताने रहेंगे। और जब मीन जो है लेस रहेगा किससे, मीडियन से, मीडियन लेस देन मोड से। तो यहाँ पर क्या होगा दैट इज योर पॉजिटिवली, और यहाँ पे होगा नेगेटिवली, और यहाँ पे कोई नहीं जब क्या है बराबर होगा मीन मीडियन मोड के बराबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजरमेंट हम कैसे करते हैं स्किवनेस का, तो दो तरह के मेजर्स होते हैं। पहला होता है एक एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर में हम क्या निकालते हैं कि जब मीन में से हम मीडियन को लेस करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, या जब मीन में से मोड को लेस करते हैं तो भी निकाल सकते हैं, और मीडियन में से मोड को फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा निकलेगा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्किवनेस। वहीं रिलेटिव मेजर ऑफ स्किवनेस की अगर हम बात करें तो इसमें तीन है, कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस, दूसरा है बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस, और तीसरा होता है कैली कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। अब हम देखेंगे कि कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस का क्या फॉर्मूला है। कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये होता है कि जो मीन माइनस मोड अपॉन, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, या कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट हम निकालेंगे तो 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला याद करिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस देखेंगे, तो स्किवनेस ये बाउले का हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। मीन्स Q3 हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल, Q1 हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल, और m हो जाएगा मीडियन, और S8 जो है बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम कैले कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस देखें तो SK हो जाएगा आपका D9 प्लस D1 माइनस 2m अपॉन D9 माइनस D1। मींस D9 का मतलब हुआ 9th डिसाइल, D1 का मतलब हुआ फर्स्ट डिसाइल, और m का मतलब मीडियन हुआ। या एक और फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, P90 प्लस P10 माइनस 2m और P90 माइनस P10। P90 का मतलब 10%, P10 का मतलब 10%, m का मतलब मीडियम। देखिए हम हर चीज़ें बस एज अ रिवीजन के तौर पे हम ये सीरीज को लाए हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ठीक है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं फॉर्मूला और बस सीधे बताते ही चल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है स्किवनेस में आपको उतना जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कुर्तोसिस आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे हम, ये आपके सेकेंड वाले पेपर में है तो मैं कल डिस्कस कर दूँगी। नेक्स्ट है हाँ, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, पहला है डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। मतलब डिस्पर्जन का मतलब वो मीन से कितना दूर है, कितना उतार चढ़ाव है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो इट शोज द स्कैटरिंग ऑफ द डाटा इन द सीरीज एंड इट टेल्स द वेरिएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम अनअदर क्लिफ स्केयर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। डाटा को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो मीन से कितना दूरी है, एक्चुअल उस सीरीज में कितना उतार चढ़ा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं डिस्पर्जन। अब इस डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के भी दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला होता है रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर जब हम एक्चुअल एक यूनिट एक सीरीज की बात कर रहे हैं, किसी की हाइट की, किसी के वेट की, जब हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट मेजर में आएंगे। दीज आर एक्सप्रेस इन सेम यूनिट्स इन विच ओरिजिनल डाटा इज प्रेजेंट बट द मेजर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर। मतलब जब हम एक लोग की बात करें, मतलब एक सीरीज की बात करें, तो वहाँ हम किसकी बात करेंगे एब्सोल्यूट मेजर की। दूसरा हो जाएगा रिलेटिव मेजर, इट इज़ नॉट एक्सप्रेस इन यूनिट बट इट इज़ अ प्योर नंबर। वी यूज़ रिलेटिव मेजर्स जब हम दो डेटा को या दो सीरीज को हम कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ हम रिलेटिव मेजर्स यूज करते हैं। एंड दे आर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सारी चीज़ें होती हैं।
अब इसमें क्या कौन से मेथड्स होते हैं, रेंज होता है पहला जिसे हम विस्तार बोलते हैं, तो रेंज को मेनली लार्जेस्ट में से जब स्मॉलेस्ट लेस करते हैं तो मुझे रेंज का फॉर्मूला मिलता है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। दूसरा है अगर एज एग्जांपल देखें, मान लीजिए अगर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, अगर आपकी लार्जेस्ट वैल्यू 15 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 33 है, तो फॉर्मूला होता है रेंज का विस्तार का, दैट इज एल माइनस एस, तो लार्जेस्ट में से अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू पर लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 - 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द एवरेज ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर क्लोज टू ईच अदर, कंपेरिजन ऑफ द रेंजेस शोज द डिस्ट्रीब्यूशन विद द स्मॉलर रेंज हैज अ लेस डिस्पर्सन। दूसरा मेथड है इंटरक्वार्टाइल रेंज, जिसे हम IQR बोलते हैं, जो फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 - Q1 / Q3 + Q1। एंड नेक्स्ट है मेथड है मीन डेविएशन, जो कि किससे डिनोट करते हैं, मीन डेविएशन को, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं एवरेज डेविएशन से। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी अपॉन एन अपॉन सिग्मा एक्स माइन मतलब मीन माइनस एक्स माइनस मीन, और ये फॉर्मूला होता है तीनों, एक से मीन, मीडियन और ए मोड से। नेक्स्ट है कैलकुलेट, हमें इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ मीन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपको मीन ये है आपका, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, देखिए मीन दिया हुआ है, ये आपका एक्स है, इसमें से हमने क्या कोई वैल्यू एक एक्स मान ली, ठीक, 31 में से 25 गया -5, ठीक है, एज्यूम मीन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन, तो यहाँ से मीन मान के मैंने लेस किया तो ये वैल्यू आई, और डी, ठीक, ये वैल्यू, और इसको टोटल की और मैंने इसको फॉर्मूले पे पुट कर दिया, कोफिशेंट ऑफ ए मीन मैंने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम रूस्ट मीन स्क्वायर डेविएशन कहते हैं, एड इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स जो है आपका मीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन बाई एक्चुअल मीन और स्टैंडर्ड मीन से हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझना। देखिए आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स, आपको ये निकालना रहेगा एक्स माइनस एक्स पे बार, एक्स जो है आपका इसमें से आप एक्ज्यूम मीन मानते हो, मान लीजिए 31 माना, तो 31 में से आपका 25 गया -5, 31 में से 27 गया -3, 31 में से 31, ठीक है, यहाँ पर गया है क्या बेटा 0, यहाँ पर 31 में से 32 गया -1, और यहाँ पे 32 में से 31 गया दैट 1, dx x माइनस, ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले सॉरी नहीं, अच्छा ये आपको निकालना है एक्चुअल मीन और अज्यूम मीन, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है पहले मीन निकालेंगे, तो मीन हमारा टोटल निकल गया 150, तो 150 अपॉन 5 ये कितना निकला 30। अब इस 30 में से जो मीन की वैल्यू हुई है, 30 में से 25 हो गया -5, 30 में से हो गया 27 -3, 30 में से हो गया 31 तो कितना बचा 1, और 30 में से 32 गया 2, और 30 में से 35 गया दैट इज 5। अब हम डी एक्स स्क्वायर, डी क्या है, डी एक्स आपकी वैल्यू कितनी है -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे 25, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 5 का 25, तो ये निकाले। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर रख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो ये आपका आ जाएगा। ये आपका निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल मीन से निकालना था, और एज्यूम मीन, देखिए जो मैं बता रही थी उस पे। एज्यूम मीन का मतलब आप एक्स वाले बार में से कोई भी एक एज्यूम मीन मान के, माने 31 मैंने एज्यूम मीन मान लिया, 31 में से 25 गया, ठीक है, 6, 31 में से 27 गया 4 -4, 31 में से 31 गया 0, 32 में से 1, ये तो इसको आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपका निकल जाएगा क्या, इस फॉर्मूले पर पुट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज का, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, ये शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग है, ये डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये इंडिपेंडेंट होती हैं चेंज इन ओरिजन, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी सेम अगर टू इज हैड बीन एडेड। स्टैंडर्ड डेविएशन एक दूसरे पे इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ स्केल,
दूसरा स्क्वायर जो स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसे हम वेरियंस कहते हैं, और वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये आपके इसमें हमने क्या क्या बताया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और कुर्तोसिस मैंने बताया है, ठीक है। एक लास्ट टाइम इसलिए मैंने डिटेल में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम है, तो बस एज अ ओवरव्यू के लिए मैंने किया। ओके, थैंक यू।